साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और वर्तमान में इस प्रकार के प्रश्न हिंदी शिक्षण से संबंधित पूछे जा रहे हैं। चलें शुरू करते हैं, जो कि आप लोगों के सिलेबस में 30 नंबर की हिंदी रही होगी, उसमें 15 या 10 नंबर की जो है पैडागोजी, हिंदी की पैडागोजी पूछी जाती है, ये उसी से संबंधित प्रश्न हैं। चलें शुरू करते हैं। सुंदरम कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? तो कौन सी कक्षा का छात्र है? 8वीं का साथ छात्र है और उसका सतत आकलन करना है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण बताना है क्या है? मौखिक विधि, लिखित विधि, व्याकरण की बारीक जानकारी या फिर भाषा प्रयोग की दक्षता। तो मौखिक विधि तो प्राथमिक स्तर के लिए है, इसमें लिखित भी हो सकता है, व्याकरण की बारीक जानकारी हो सकती है, लेकिन सही आंसर क्या है? भाषा की दक्षता, भाषा प्रयोग की दक्षता। क्यों? क्योंकि भाषा प्रयोग की दक्षता जो है ये सबसे सटीक आंसर है, और ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा सटीक होता है वो अपन को चयन करना पड़ता है। तो सबसे सही जो है उसकी भाषा दक्षता को जानेंगे। अगला, निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। प्रश्न को पहले ध्यान से देखना है। दृश्य श्रव्य दो शब्द दिए हुए हैं, एक तो देखने वाली भी और साथ में सुनने वाली भी, दोनों चीज़ें हैं, देखने वाली सामग्री भी और सुनने वाली सामग्री भी, कौन सी है? तो रेडियो, टैप रिकॉर्डर, ये श्रव्य हैं। मानचित्र, ग्लोब, ये दृश्य हैं, देखने वाले हैं। तो एक तो सुनने वाला, एक देखने वाला। ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर, ये दोनों हो सकते हैं। ब्लैक बोर्ड जो है उसको देखते हैं और कंप्यूटर जो है उसे सुनने का भी कार्य कर सकते हैं अपन। मोबाइल, वीडियो गेम्स, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये सब श्रव्य वाले हैं। तो क्या हो जाएगा सही? ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर, जो कि दृश्य और श्रव्य दोनों हैं। अधिगम से तात्पर्य है, आपको कहीं भी अधिगम शब्द देखने को मिल जाए तो अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, कुछ करना, कुछ सीखना, ये क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है सीखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। केवल श्रव्य सामग्री का, बिल्कुल गलत है, ग्राफ देखने वाली चीज़ है। केवल दृश्य सामग्री का, बिल्कुल सही। दृश्य श्रव्य का, बिल्कुल गलत, क्योंकि केवल ग्राफ को अपन देख सकते हैं, सुन थोड़ी ना सकते हैं। उपरोक्त सभी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर गलत भी हैं कुछ। तो ये केवल दृश्य सामग्री, जो ग्राफ है उसे केवल देख सकते हैं। रूपरेखा अनुकरण विधि है, रूपरेखा अनुकरण विधि है, कौन सी है? तो किसकी विधि है? ये लेखन कौशल की विधि है। रूपरेखा बनाना, जो रूपरेखा बनाई जाती है, लेखन कौशल से बनाई जाती है या फिर उसमें बनाई जाती है, तो लेखन कौशल इसका सही आंसर हो जाता है, रूपरेखा, जो कि रूपरेखा अनुकरण विधि। आगे, श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है। एक जगह श्याम खड़ा हुआ है और दूसरी जगह जो है वो राधा खड़ी हुई है। एक जगह श्याम है, दूसरी जगह राधा है, तो इनके जो बात हो रही है दोनों में, तो ये रूप है। क्या है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति, केवल मौखिक अभिव्यक्ति। देखिए, बातचीत चल रही है, एक पॉइंट देना है अपन को, संकेत तो हो नहीं रहा है, ये गलत है। तो केवल मौखिक अभिव्यक्ति, बिल्कुल बातचीत है तो मौखिक अभिव्यक्ति है। केवल लिखित अभिव्यक्ति, ये गलत है, लिखित नहीं हो रही है, मौखिक हो रही है। उपरोक्त सही हो नहीं सकता है, तो ये अपना आंसर जो है वो सही है। अगला प्रश्न, श्यामपट्ट को साफ करने का सही तरीका क्या है? आपके स्कूल में श्यामपट्ट होगा, आपने जहाँ पढ़ाया होगा, तो वहाँ श्यामपट्ट पर साफ करने का तरीका क्या है? तो बाएँ से दाएँ। श्यामपट्ट को कैसे साफ करते हैं? बाएँ से दाएँ की ओर श्यामपट्ट को साफ किया जाता है। ये प्रश्न बहुत उपयोगी हैं, और ये जो अगला ये प्रश्न है ये तो हमेशा पूछा जाता है। डिसलेक्सिया का लक्षण क्या है? तो डिसलेक्सिया के बारे में आपने सुना होगा कि एक अक्षमता है ये, और बच्चे में वर्तनी दोष होता है, बहुत ज़्यादा समस्या फील करता है वो अक्षरों को देखने में, तो ये वाली समस्याएं होती हैं। देखो ऑप्शन देखें, केवल वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, बिल्कुल सही है। केवल वर्तनी दोष में पीड़ा होना, वो वर्णमाला और वर्तनी एक ही है। और केवल एकाग्रता में कठिनाई, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी का दिया हुआ है ऑप्शन, तो उपरोक्त सभी आंसर्स का सही हो जाएगा। ये सारे के सारे डिसलेक्सिया के लक्षण हैं।
भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैसी है, अस्थिर है, गलत, निरंतर चलती है, बिल्कुल सही है, निरंतर प्रक्रिया चलती है, निश्चित अवधि तक चलती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि भाषा शिक्षण है, भाषा सीखना कोई उम्र तय नहीं करता कि कब तक अपन सीखेंगे भाषा, बूढ़ा व्यक्ति भी सीख लेता है, बच्चा भी सीख लेता है, भाषा शिक्षण ये स्थिर है तो स्थिर भी नहीं है, ये निरंतर चलती है, निरंतर चलायमान प्रक्रिया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, तो भाषा से क्या व्यक्त करते होंगे, आस्था, गलत आस्था को कहाँ व्यक्त करेंगे, वो तो भगवान वाला मैटर हो गया, धार्मिक मैटर हो गया, कर्तव्यों को, गलत विचारों को, भाषा जो है कम्युनिकेशन, तो भाषा से विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है, तो सुनना कौन सा चरण है, ये प्रथम चरण है, पहले बालक सुनता है, फिर उसके बाद में आगे क्रियाएं करता है। आगे गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है, जो गणितीय कौशल संबंधी विकार है वो कैसा है, पूर्ण अक्षर लिखना, समय सारणी बनाने में कठिनाई, अपठनीय हस्तलेखन, या कागज को बहुत पास से पकड़ना। क्या कहा जा रहा है यहाँ, पूर्ण अक्षर लिखना, बिल्कुल, यहाँ पर एक और है प्रश्न आपको देखना है, गणितीय कौशल संबंधी विकार बताया है तो पूर्ण अक्षर लिखना ये भी हो सकता है, अपठनीय हस्तलेखन ये भी हो सकता है, लेकिन गणितीय ध्यान रखना है आपको, कागज को पास से पकड़ना, यहाँ पर समय सारणी बनाने में कठिनाई, क्योंकि समय सारणी गणित से संबंधित है, तो ये हमारा उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। और सबसे सही देखना है ये है, पठन का अर्थ क्या है, पठन मतलब होता है पढ़ना, तो पढ़ने का अर्थ क्या है, मौन वाचन, बिल्कुल गलत, मौन वाचन में पढ़ना कहाँ होता है, सस्वर वाचन, बिल्कुल सस्वर वाचन भी है, और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सस्वर और मौन वाचन दोनों हैं, पठन में सस्वर वाचन भी होता है और मौन वाचन भी होता है जो स्वयं पढ़ता है बालक, और सस्वर वाचन जो शिक्षक के द्वारा फिर कराया जाता है। आगे राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है, तो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना किसका कार्य है, गणित का कार्य नहीं है, विज्ञान का नहीं है, भाषा का कार्य है, बिल्कुल स्पष्ट ही अपन को ये उत्तर समझ में आ रहा था, भाषा का कार्य है, आप लोगों को थोड़ी समस्या हो रही होगी क्योंकि उत्तर उसी में दिए हुए हैं, लेकिन समझते चलते हैं आगे। निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं, किसमें नहीं है, पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, शब्दोच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी और वाक्य संरचना, बिल्कुल सही, ये तीनों जो हैं इनमें तो होगी ही त्रुटियां, लेकिन पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में त्रुटि नहीं होती है। आगे चलें, विराम चिन्ह के प्रयोग से संभव होता है, विराम चिन्ह जो होते हैं उनके प्रयोग से क्या संभव होता है, प्रभावी श्रवण, प्रभावी लेखन, तो विराम चिन्ह कहाँ पर लगते हैं, लिखने में होते हैं ना, जैसे कुछ भी अपन ने लिखा उसके बाद विराम चिन्ह एक लग गया, कोई भी फिर अपन ने कुछ लिखा फिर विराम चिन्ह, तो ये प्रभावी लेखन में है, श्रवण से मतलब नहीं है, दक्षता विकास नहीं है, और प्रभावी अधिगम से कोई मतलब नहीं है, लेखन से संबंध है विराम चिन्ह का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षण विधियों के चयन संबंधित अव्यवस्था या फिर अव्यवस्था को दूर करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कहा, शिक्षण विधियों के चयन संबंधी अव्यवस्था को दूर करने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए, तो छात्रों की आयु, बिल्कुल गलत है, आयु से मतलब ही नहीं है, छात्रों के दृष्टिकोण पर ये भी हो सकता है, साथ छात्रों के स्वास्थ्य पर ये भी थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन इसके अलावा छात्रों की योग्यता और उनकी रुचि पर, उनकी योग्यता क्या है पहले वो देखें और उनकी रुचि क्या है, फिर आप शिक्षण विधि का चयन करके उन्हें पढ़ा सकते हैं। आगे कौशलों के विकास के लिए आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, कहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए, छात्रों की रुचि और योग्यता पर, छात्रों के मानसिक स्तर पर, बिल्कुल सही, दोनों पर दिया जाना चाहिए और दोनों सही हैं भी यार, छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कौशलों का विकास करना है, तो ये दोनों ही आंसर अपने सही हो जाते हैं। अगला, भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है, तो
तो भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? जिनके अभिभावक दक्षित हों, जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो और जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। पहले तो प्रश्न पढ़ना है क्या कहा है, क्योंकि इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है, तो किन्हें कठिनाई नहीं होती है? भाषा का अधिगम करना है तो जिनकी मानसिक स्थिति ठीक हो उन्हें कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि माता पिता के शिक्षित होने से कोई मतलब नहीं है। आत्मविश्वास की कमी जो है ये भी नहीं है। जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक है, स्थिति से भी मतलब नहीं। जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो उन छात्रों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आगे, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन है? एक तो उच्च प्राथमिक स्तर पूछा है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र कैसा अधिगम करता है, कैसा सीखता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पहले आगमन विधि ही श्रेष्ठ विधि है। निगमन विधि बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर लेवल अलग हो जाएगा। वो सूत्र विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, भाषा संसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगमन विधि बहुत बढ़िया है, आगमन विधि का प्रयोग किया जा सकता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न, कक्षा में, ध्यान से, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब क्या हो? वह शिक्षक के अनुरूप हो। आगे क्या कहा, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, या वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। बिल्कुल सही, सीखने सिखाने में जब उपयोगी साबित हो तो वो शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने की, जो कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल है, और देवभाषा हो नहीं सकता, राष्ट्रभाषा हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा है कि गलतियाँ हो सकती हैं। बिल्कुल सही है, मातृभाषा, मातृभाषा को सीखता है। जो माता पिता भाषा बोलते हैं, जो उसके आसपास बोली जाती है, वो भाषा है जो वो सर्वप्रथम सीखता है। राजभाषा नहीं हो सकती है, राष्ट्रभाषा, देवभाषा अपनी संस्कृत वो नहीं है, मातृभाषा है। मूक फिल्म उदाहरण है, आपने मूक फिल्म देखी होगी, जिसमें जैसे कि राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म आई थी, मूक फिल्म थी। तो ये फिल्म कैसी फिल्म है ये बताना है। देखें चलें, दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, बिल्कुल गलत, क्योंकि उसमें दृश्य हो रहा है, मूक है तो श्रव्य कहाँ से होगा। अगला, दृश्य सामग्री का बिल्कुल सही, दृश्य है, देखने में आ रहा है, श्रव्य हो नहीं सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आंसर इसका सही हो जाता है कि यह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, आदमी देख सकता है उस फिल्म को और कुछ नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है, भाषा की परिपक्वता व्याकरण, जो कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, बिल्कुल सही, यही आंसर सही है, क्योंकि वही भाषा परिपक्व हो सकती है जिसके व्याकरण के नियम परिपक्व हों। जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, तो इसके नियम परिपक्व हैं, और इसके अलावा बिल्कुल वैज्ञानिक है, तो इस कारण से जो अपनी संस्कृत भाषा है, देवभाषा, यह व्याकरण नियमों के अनुसार होने के कारण परिपक्व है। तो ये भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है। और ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा की का अधिकाधिक प्रयोग करना, अधिकाधिक प्रयोग से कुछ नहीं होता है। भाषा के अवयवों और स्वरों पर अनियंत्रण होना, बिल्कुल नहीं। विविध भाषाओं की जानकारी होना, विविध भाषाओं की जानकारी होने से भी क्या होता है, यदि व्याकरण के उसके नियम ठीक नहीं होंगे तो, बिल्कुल ये आंसर अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है, कौन सा दृष्टिकोण है? बिल्कुल सही, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमें बच्चे के अनुसार सोचना पड़ेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, और ये जो दृष्टिकोण है ये भी आवश्यक है, लेकिन एक समय विशेष पर आवश्यक है। ये भाषा शिक्षण के लिए, बच्चों के लिए कहा है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आगे, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, कि वह केवल शिक्षण बिंदु
के सरल योग सरल सुगम तथा उपयुक्त हो, केवल प्रकरण से संबंधित हो, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, या उपरोक्त सभी। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक में रुचि जागृत होती है, तो किस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक में रुचि जागृत होती है? तो आगमन से निगमन की ओर, बिल्कुल सही है, इसके पहले भी यह आ चुका है। आगमन से निगमन की ओर जो विधि है, इसके अनुसार बालक में रुचि उत्पन्न होती है। अगला, लिखित भाषा का लघुतम रूप है, भाषा जो लिखित रहेगी उसका लघुतम रूप क्या है? अक्षर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्षर स्वरों से मिलकर बना होता है। ध्वनि बिल्कुल नहीं, शब्द भी नहीं। वर्ण है, जैसे वर्ण ये होते हैं का ख ऐसे आधे वाले वर्ण। अभिव्यक्ति कौशल में शामिल है, अभिव्यक्ति मतलब अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार व्यक्त करना, तो इसमें शामिल क्या क्या है? केवल बोलना, केवल लिखना, केवल सुनना, या बोलना और लिखना दोनों। तो बोलना और लिखना दोनों है, अपना अपन किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा समाचार बोलते हैं लोग, तो ये भी अभिव्यक्ति कौशल है, अपनी बात अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिसमें बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, या फिर सुना भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक साथ सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। अगला, भाषा शिक्षण के लिए कब और कैसे किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए, और इसकी जानकारी होती है किसको? ये जानकारी होती है भाषा शिक्षण की, बिल्कुल सरल सा है, ये तो शिक्षक को ही होगी, माता पिता को तो भाषा शिक्षण की जानकारी होगी नहीं, और पद्धति का सहारा भी लेना है। अगला, किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? किसी को बोलते हुए सुनना, अपन ने किसी को बोलते हुए सुना और सुनकर समझ लेने की क्रिया है, क्या है? लेखन तो है नहीं, श्रवण है, बिल्कुल सुनना, अपन ने सुना है ना, पठन भी नहीं है, भाषण भी नहीं है, सुनना। सुना कैसे जाता है? ये श्रवण के लिए सुनना बोलते हैं, और समझ भी लिया है तो श्रवण से संबंध है। आज करीब अपने 30 प्रश्न हो चुके हैं, और 30 के आगे जो प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपना समय भी ज़्यादा हो रहा है। और आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, जिससे उनके पास भी इस प्रकार के वीडियोस पहुंच जाएं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप जितने भी प्रश्न लगा सकते हैं अधिक से अधिक प्रश्न लगाएं। पहले आप मैटर पढ़ें पूरा, जो आपको मैटर दिया हुआ है, जैसे कोई भी एक टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण है, तो उस बारे में पहले आप पूरी जानकारी एकत्रित करें, और जानकारी एकत्रित करने के बाद आपने एक बुक से पढ़ाई कर ली है, तो फिर आप उसके 100 से 200 या फिर 300 जितने भी आपको एग्जाम्पल मिल जाए वो आप लगाने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने आपको बता दूं, मैंने हजार से हजारों हजारों लगाए होंगे। अभी जो मध्य प्रदेश वर्ग 1 और 2 दिया, UPTET दिया, मैंने सारे एग्जाम क्रॉस किए हुए हैं, CET भी किया हुआ है, तो मैं केवल ये मैटर पढ़ने के बाद और वही लगाता हूँ केवल, क्योंकि अधिकतर उसी से पूछा जा रहा है, रिपीटेशन रिपीटेशन क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर देते हैं, अधिगम के बारे में भी पूछेंगे तो थोड़ा सा एक शब्द यहाँ का वहाँ। आप लोग ध्यान से पहले प्रश्न पढ़ें और फिर उसे उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।